बहुत क्लोज हमशेरा थी या घर की कौन थी वो जो टीवी पे आई थी, उसने बहुत मासूमाना अंदाज में कहा, बहुत मासूम लफ्जों में कहा, क्या हम कश्मीरी नहीं है, हमें क्यों मारते हैं। उसने एक लफ्ज कहा और मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। ये सच बोल रही है क्या, ये कश्मीरी नहीं है? ये कौन सी ताकतें हैं, ये कौन सी ताकतें हैं आज भी जो ये कहते हैं कि ये हल्फियत को जिंदा मत होने दो। मीरवाइज साहब यहां है, बड़ग्राम में हमने बड़ी कॉन्फ्रेंस की, हमने वहां आस्थान बनाया है, हल्फिया आस्थान, मखदूम हल्फियत, ये सारे थे वहां बड़े सिको, आप भी थे बैठे बैठे, तो मुझे मालूम है सारा बड़गाम उमड़ पड़ा। हल्फिया तसव्वुफ एतिकाद को वापस लाने में कामयाब हो रहे हैं और इसके चर्चे न सिर्फ कश्मीर और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरे अकवाम आलम में है। इस सिलसिले में हमने मधु किया है हमारे डिविजनल कमिश्नर साहिब पी के पोली साहिब का और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला तारबली साहब, आप सबका इस्तकबाल है। दिलप्रीत सिंह साहब, मीरवाइज साहब, इग्नू के हमारे रीजनल डायरेक्टर शहनवाज साहब, वो आप प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाए। यहाँ उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला तारबली साहब को उनके फन के लिए एजाज से नवाजा जा रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से डिविजनल कमिश्नर साहब उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला तारबली साहब को एजाज पेश कर रहे हैं और इसके बाद ये मोहम्मद अब्दुल्ला तारबली साहब को दस्तारबंदी की जा रही है। बहुत बहुत मुबारक आपको तारबली साहब। और इग्नो की तरफ से ही है तारबली साहब के लिए, उन्होंने अवार्ड रखा हुआ है मोहम्मद अब्दुल्ला तारबली साहब के लिए, प्लीज वो उनको प्रेजेंट कर ले, और डिविजनल कमिश्नर साहब और डॉक्टर शाहनवाज साहब उनको प्रेजेंट कर लेंगे। मैं तारबली साहब का सच बहुत बहुत ज्यादा दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के और बड़ी मतलब ज़ाफियत में यहां पे आके हमारी इस महफिल को रौनक किया, हम इनके मेहरबान हैं। और वहां साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब इनको दे देंगे। और एक सबसे सर मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट सर, सर क्योंकि हमने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ग्लोकार एसोसिएशन, यंग सूफी ग्लोकार एसोसिएशन, क्योंकि हमने उनके लिए रजिस्ट्रेशन उनको हमने एफिलेटेड जमात उल एतिकाद इंटरनेशनल से किया है। मैं सभी मेंबरों को रिक्वेस्ट करता हूं वो स्टेज पे आ जाए और अपनी वो रजिस्ट्रेशन ले लें प्लीज, सब आ जाए, उनके चेयरमैन जो भी है सब आ जाए यहां पे, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर साहब उनको वो रजिस्ट्रेशन दे देंगे। ये सिर्फ हुसैन साहब और हुसैन साहब आ जाए, मोहम्मद हुसैन खान साहब जो कुलगाम से आए हुए हैं, तो उनके हाथ में ये दे दिए जाए, ये हमारी नवाज होगी उनके लिए। आप सबको मुबारक है और इंशाल्लाह रहमान इन फ्यूचर आप इसी रजिस्ट्रेशन के अंडर काम कर लेंगे और ये आज से एफिलेटेड है जमात उल एतिकाद इंटरनेशनल और कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के साथ। बाकी हमारी आप महफिल का महफिल समा का प्रोग्राम चलता रहेगा।